हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। फार्मा इंडस्ट्री में एक जॉब ऐसी आज की डेट में अवेलेबल है जहाँ पे काफ़ी सारे वैकेंसीज भी हैं और कई सारी इंडस्ट्रीज़ को ये पोस्ट होती है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो या फिर और कोई भी सेक्टर में हो, तो ये पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो पोजीशन है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। एज इट नेम इंडिकेट्स, बिजनेस डेवलपमेंट मतलब कोई भी बिजनेस डेवलप करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है, वो होती है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ पे आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि आप सेल्स का काम है, तो नहीं, सेल्स का तो काम डेफिनेटली है, बट मेंटेन रिलेशनशिप मैनेजर का ये काम होता है। पे फ्रेशर की वैकेंसीज कई ज्यादा होती है, तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना जरूरी है कि यहाँ पे काम क्या क्या आपको करना होता है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क फ्लो कैसे होता है, कौन सी कंपनीज यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, कौन से स्किल्स आपको लगते हैं और आपको इस इंटरव्यू में क्या आपको पूछा जा सकता है और इसमें पे स्केल क्या होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और क्योंकि हमारे चैनल पे कई सारी इंफॉर्मेटिव ये इंफॉर्मेशन होती है साथ में इंटरव्यू टिप्स। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एक्चुअली होते क्या है। तो ये एक कंपनी के ऐसी पोजीशन है जहां पे आप क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस इंडस्ट्री में हो। अब देखिए, फार्मा इंडस्ट्री में सर्विसेज मतलब क्लिनिकल रिसर्च में जॉब्स होते हैं और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, राइट। तो इवन आपने देखा होगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी जॉब है, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी कई कबार बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कई कबार कंपनी देती है, बिकॉज ये भी बिजनेस ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले अभी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है वो, और मैन्युफैक्चरिंग में जो होती है वो। वैसे मैन्युफैक्चरिंग में टॉप एमएनसी कंपनी के ऑलरेडी फिक्स्ड क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको एज ऑफ नाउ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की इतनी पोस्ट नहीं होती है, बट मिड लेवल पे या फिर स्मॉल लेवल पे या फिर जो केमिकल कंपनीज होती है उनको क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैसे फाइंड आउट करें, तो वो होती है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। तो आपको डायरेक्टली वो जो क्लाइंट है, जो बायर है, उनको सर्च करना है, कनेक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में क्लिनिकल रिसर्च में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की भी पोस्ट होती है, तो वही होती है। एक्चुअली कोई भी क्लिनिकल रिसर्च जो आपको करना है, तो उसके लिए पहले तो प्रोजेक्ट आना चाहिए स्पॉन्सर्स, इसके बाद प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, फिर इथिक्स कमेटी, ये सारे फ्लोज बाद में होते हैं, लेकिन पहले स्पॉन्सर आने चाहिए। तो कोई भी कंपनी के लिए जो क्लिनिकल रिसर्च में वर्क कर रही है, स्पॉन्सर्स उनको मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है, उसी के बेसिस पे वो कंपनी रन होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर हो तभी आपका बिजनेस फ्लो में जाएगा, राइट। तो इसके लिए बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट होती है। तो अब हम जानते हैं कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के। सबसे पहला रोल है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक कंपनीज इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रमोट कंपनी सर्विसेस वट एवर द कंपनी, चाहे आप मेडिकल राइटिंग में आप किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा मैनेजमेंट में कर रहे हैं, फार्माको विजिलेंस में कर रहे हैं, बायोस्टैट में कर रहे हैं, राइट। तो आपके कंपनी की जो भी डिटेल्स है वो आगे वाले मतलब जो भी स्पॉन्सर्ड कंपनी है उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जहाँ से वो प्रोजेक्ट आप ले पाए। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल स्पॉन्सर्स, जनरेट लीड्स फ्रॉम द इंटरनेट। देन नेक्स्ट जॉब टू डिलीवर और रिक्वेस्ट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर अ ड्रग स्टडी फ्रॉम द स्पॉन्सर। नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड नीड्स ऑफ द स्पॉन्सर रिगार्डिंग द बिजनेस प्रपोजल एंड फॉलो। नेक्स्ट टू निगोशिएट विद द स्पॉन्सर एंड ऑल्सो मेक अ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। इसके बाद मैनेजिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल टू एंश्योर क्वालिटी इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लियर कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज डू कोलैबोरेशन फॉर द कंटिन्यूअल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, देन डू रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद द स्पॉन्सर कंसल्टिंग एजेंसीज। ये जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की। तो बेसिकली इसका वर्क फ्लो कैसे रहता है, अगर मान लीजिए सीआरओ में इसका वर्क है तो क्या वर्क फ्लो रहेगा। सबसे पहले आपको स्पॉन्सर को सर्च करना है, आपके पास सोर्स डेटा दिया गया होगा या फिर आपको इंटरनेट से सर्च करना है। एक बार आपने सर्च किया, आपको लगा कि स्पॉन्सर आप मतलब अवेलेबल है, इसके बाद उनसे आपकी रिक्वायरमेंट मतलब उनकी स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट क्या है और हम आप मतलब आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको देनी है, राइट। इसके बाद अगर वो
देर इज रिक्वायरमेंट, इफ देर इज रिक्वायरमेंट देन मीटिंग फिक्स करनी है। मीटिंग फिक्स करने के बाद एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है कि वो प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से प्रेजेंट करे अच्छी तरीके से, राइट, तो प्रोफेशनली। सो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बतानी है, आपने जो प्राइस दी है उससे भी लेस प्राइस किसी की है तो मे भी उसको प्रोजेक्ट मिल सकता है, राइट, वो बिडिंग प्रोसेस होती है तो उसके बारे में आपको निगोशिएबल स्किल्स आप में होनी चाहिए, राइट। अब आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट पूरी तरीके से प्रेजेंट करते हो उसके बाद फॉलोअप लेना है, निगोशिएशंस होता है इसके बाद, और फिर अगर मान लीजिए स्पॉन्सर्स इज रेडी टू डू अ प्रोजेक्ट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन देन नेक्स्ट इज डू एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने तो लगभग 1 साल 2 साल 5 साल इससे आगे भी होते हैं तो उसमें सर्टन फेजेस कैसे रहेंगे, इसमें वॉलंटियर्स कितने रहेंगे, स्टडी कौन सी है, कौन से मतलब रीजन के लोग आपको लगने वाले हैं, ठीक है, मतलब इंडिया में तो रहती है, कई कबार आउट ऑफ इंडिया भी कोई सीआरओज प्रोजेक्ट लेती है तो उसके अनुसार आपकी रिक्वायरमेंट पहले जाननी जरूरी है। उसके बाद उनके फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब मान लीजिए प्रोजेक्ट 5 CR का है तो 5 CR वन टाइम नहीं आता, पहले आएगा 1 CR फिर आएगा 1.5, जैसे इसके स्टेप्स होते हैं, जैसे जैसे एक एक स्टडी कंप्लीट होती है उसको अप्रूवल मिलता है या फिर जैसे दिए गए पैरामीटर्स पे या फिर स्टेप्स आपको दिए गए होते हैं स्पॉन्सर्स आपको बताते हैं उसी प्रकार आपको पे आउट मिल जाता है, राइट। तो इसके डिटेल्स आपको लेना है, स्पॉन्सर से कम्युनिकेट करना है, आपकी कंपनी से कम्युनिकेट करना है और वो एग्रीमेंट बनाना है। उसके बाद एग्रीमेंट के बाद फिर आपको सारे रूल रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से बताने हैं स्पॉन्सर्स एंड योर कंपनी, सो योर ऑल थिंग्स, मतलब आप एक कनेक्टिंग लिंक है स्पॉन्सर से और आपकी कंपनी के लिए। यहीं पे आपका काम खत्म होता है क्या? नहीं, एक बार डील हो गई तो काम खत्म नहीं होता, बाकी आपको मॉनिटर करना होता है टाइमली मैनर पे कि ये प्रोजेक्ट टाइमली मैनर पे चल रहे, फाइनेंशियल्स प्रॉपर आ रहे, हर चीज़ प्रॉपर हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि रिलेशनशिप मैनेज करना, क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट आ गया तब आपकी कंपनी नहीं चलती, आपको कंटिन्यूसली एक क्लाइंट से कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट आने बहुत ज़रूरी है अगर बिजनेस को अच्छी तरीके से रन करना है तो एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है कि वो एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए स्पॉन्सर से फॉर कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट। एज मैंने जैसे बताया कि कोलैबोरेशन एक वर्क होता है तो वही वर्क आपको यहाँ पे करना है, राइट। तो ये हो गया आपका वर्क फ्लो। अब बात करते हैं इसमें स्किल्स कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज आपको कम्युनिकेट करना है, फॉरेन क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए, ओके, फ्लुएंसी चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन स्किल, जैसे मैंने बताया आपको प्रेजेंट करने होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को तो वो प्रेजेंटेशन स्किल आप में चाहिए। नेक्स्ट इज निगोशिएशन स्किल, मार्केट रिसर्च, मार्केट का रिसर्च करने के बाद ही आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, राइट, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी जरूरी है, तो ये सारे स्किल्स आप में होने चाहिए। अब यहाँ पे जॉब कहाँ कहाँ पे होते हैं, सीआरओ जो होते हैं वहाँ पे जॉब होते हैं, एसएमओ साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भी जॉब्स होते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन कोई केमिकल कंपनीज होती है मैन्युफैक्चरिंग, इवन कुछ कंपनीज होती है जो इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करती है, मेडिकल डिवाइसेस प्रोवाइड करती है तो वहाँ पे भी, इवन कोई एक्सपोर्ट कंपनी होती है तो वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज देनी है आपको, क्लाइंट्स को सर्च करना है, सो हर जगह पे जहाँ पे क्लाइंट को सर्च करना है वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट डेफिनेटली होती है। अब इसमें जो पे स्केल कितना मिल सकता है, पे स्केल डिपेंड है कंपनी टू कंपनी, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी सीआरओ में वर्क कर रहे हैं तो आपको 2.0 to 2.5 तक आपको एवरेज पैकेज मिल सकता है एज अ फ्रेशर। अब यहाँ पे कौन कौन करियर कर सकता है, आप बी फार्म हो या मतलब लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट यहाँ पे करियर कर सकते हैं। मैं सीआरओ की बात कर रहा हूँ, फार्मा रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप केमिकल कंपनीज में जाते हैं तो उसके रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मा तो हर जगह पे, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल हो, फार्मा हो, यहाँ पे बायोटेक हो, यहाँ पे फार्मा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये वैकेंसी अगर सर्च करनी है तो आप लिंक्डइन, नौकरी एंड इंडीड इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं, मुझे लगता है इस वीडियो से कई सारी जानकारी आपको हुई होगी और इसी प्रकार आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार आपको जानना जरूरी है कि ये जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसी प्रकार आपको पूछे जाएंगे, सीआरओज में इंटरव्यू क्वेश्चंस क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड होंगे, देन स्पॉन्सर्स, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कैसे होते हैं, इथिक्स कमेटी क्या होती है, एंड वेरियस लाइक डॉक्यूमेंटेशन, राइट, रिक्वायर
रिक्वायर्ड। सो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इवन मान लीजिए आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी है तभी भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ओके, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन सीआरओज काम कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।